मॉस्को संदेश में मात्र 1,000 रूपए में 3 दिन का विज्ञापन बुक कराएं। वांछित के खिलाफ जारी की नोटिस। बढ़लगंज कोतवाली क्षेत्र के पटना चौकी इंचार्ज जगदम्बा प्रसाद ने बताया कि गौवध निवारण व पशु क्रूरता अधिनियम अपराध संख्या 347/17 धारा 3/5A/B के वांछित आरोपी हरेंद्र व विजेंद्र यादव निवासी भरथरी थाना उरवा व विक्कू यादव थाना गोला गोरखपुर फरार चल रहे हैं। इनके आवास व ठिकाने पर दबिश दी गई, परंतु यह लोग वहां नहीं मिले, जिनके विरुद्ध धारा 82 CRPC के तहत कार्रवाई की गई। टेम्पो चालक के साथ मारपीट। गगहा थाना क्षेत्र के बिलकुर निवासी बिनय सिंह गगहा गजपुर मार्ग पर अपनी टेम्पो गाड़ी सवारी लेकर आते जाते हैं। आज सुबह 10 बजे अपनी गाड़ी से सवारी लेकर गगहा से गजपुर के लिए जा रहे थे। अभी RPS स्कूल पुरसौली गगहा के पास पहुंचे ही थे कि तभी कुछ लोग उनको रोक कर रोड पर गाड़ी चलाने से मना करते हुए भद्दी गालियां देते हुए मारने पीटने लगे तथा धमकी दिए कि गाड़ी को रोड पर चलने नहीं देंगे। टेम्पो चालक विनय ने बताया कि करीब 4-5 दिन पहले भी रजत सिंह ने उन्हें डराया धमकाया था, जिस वजह से मैं 4-5 दिन गाड़ी अपने दरवाजे पर खड़े किए थे। इसकी भी सूचना हमने 112 पर दी थी। थाना अध्यक्ष गगहा राज प्रकाश सिंह ने बताया कि तहरीर मिली है, जांच की जा रही है, दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लापता विवाहिता सोमवार को पहुंची गगहा थाने। मायके वालों ने जताई थी हत्या की आशंका। रिपोर्ट गगहा गोरखपुर। देवरिया जनपद के गौरी बाजार थाना क्षेत्र के इंदुपुर छौगावा निवासी अविनाश शर्मा पुत्र कपिल शर्मा ने रविवार को गगहा थाने पर तहरीर देते हुए आरोप लगाया कि मेरी बहन को प्रताड़ित कर रहे थे। जब मैं अपनी बहन के घर पहुंचा तो वह घर पर नहीं मिली। उसके पति के मोबाइल पर कॉल किया तो उसने कहा कि काटकर फेंक दिया हूं, लेकिन सोमवार की सुबह पूनम शर्मा थाने पर पहुंची और पुलिस को बताया कि मेरे सास व ससुर से वाद विवाद होने के कारण मैं अपने पति चंदन के साथ पति के ननिहाल बेलीपार थाना क्षेत्र कनैल में रुकी थी। मैं 1 महीने के लिए अपने भाई व भाभी के साथ मायके जा रही हूं और 1 महीने बाद अपने पति के साथ रहूंगी। मोदी योगी सरकार में बांसगांव क्षेत्र का हुआ विकास। सुनील पासवान, बांसगांव। बांसगांव विकास खंड के अंतर्गत कनैचा में रामनारायण किसान सेवा केंद्र का इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप का शुभारंभ ब्लॉक प्रमुख चरगावा सुनील पासवान ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर सुनील पासवान ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के आशीर्वाद से बांसगांव लोकसभा के सांसद कमलेश पासवान जी और बांसगांव विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर विमलेश पासवान जी के प्रयास से क्षेत्र का विकास व समृद्ध बनाने में सफल रहे हैं। इस अवसर पर प्रधान मुन्ना राय, आश्रेय राय, उपेंद्र राय, सुधांशु राय, कृष्ण मुरारी राय, सत्य सिंधु राय, शिवानंद राय, हेमंत पांडे, अंकित राय सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। आज से प्रेरणा ज्ञानोत्सव 100 दिन का हुआ शुरू। बांसगांव प्राथमिक विद्यालय जयंतीपुर द्वितीय पर 1 मार्च 2021 से बच्चों को उनके अभिभावक का सहमति पत्र लेकर विद्यालय में बच्चों को अंदर जाने से पहले टेम्परेचर चेक किया गया तथा उनके हाथों को सैनिटाइज कराकर मास्क देकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए क्लास में बैठाया गया। प्रधानाचार्य महेंद्र शर्मा ने बच्चों को प्रेरणा लक्ष्य, प्रेरणा सूची और प्रेरणा तालिका के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई और उनकी दक्षताओं पर भी विशेष चर्चा की गई। कक्षा 1, 2, 3 में मॉड्यूल्स के आधार पर बच्चों का अधिगम स्तर सुदृढ़ करना है। उनकी लर्निंग आउटकम के प्राप्ति हेतु उन्हें उपचारात्मक शिक्षण के लिए अलग से क्लास लेने की व्यवस्था की गई। विद्यालय के प्रधानाचार्य महेंद्र शर्मा, सहायक उपाध्यक्ष वीरेंद्र कुमार, मृदुला सिंह व रसोईया समेत बच्चों के सभी अभिभावकगण उपस्थित रहे। बढ़लगंज में पंचायत चुनाव के नियमित भाजपाइयों ने की वार्डवार बैठक। बढ़लगंज त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बढ़लगंज मंडल ने वार्ड संख्या 45 व वार्ड संख्या 46 की बैठक हेरिटेज पब्लिक स्कूल भाटपार में संपन्न हुई। संतोष उपाध्याय एवं नागेंद्र शाही ने कहा कि भाजपा अपने समर्पित कार्यकर्ताओं के बलबूते पूरे दमखम से पंचायत चुनाव में उतरेगी और सफल होगी। भाजपा जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत में अपने कार्यकर्ताओं को लड़ाएगी।
भाजपा नेतृत्व ने जिस प्रकार की रणनीति बनाई है, अगर हम कार्यकर्ता उसे बूथ लेवल पर उतारने तक सफल रहे तो पंचायत चुनाव में भाजपा का परचम लहराएगा। बैठक को स्वतंत्र सिंह, रमेश सिंह, महेश सुमर, विश्वामित्र त्रिपाठी ने भी संबोधित किया। अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष अखंड प्रताप शाही व संचालन राजकुमार निगम ने किया। रंजन कन्नौजिया, विनय तिवारी, संतोष त्रिपाठी, अभिषेक गुप्ता, अमित त्रिपाठी, सुरेश पटवा, अंकित पटेल, संजय दुबे, प्रशांत शाही मौजूद रहे। छात्राओं को आत्मसुरक्षा के प्रति किया जागरूक। बढ़लगंज स्थानीय उपनगर स्थित नेशनल इंटर कॉलेज के मिशन शक्ति द्वारा आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में कोतवाल मनोज राय ने छात्राओं को सुरक्षा के प्रति जागरूक किया। कहा कि मनचलों से डरे नहीं, उनका डटकर मुकाबला करें। आपकी सुरक्षा के लिए 112 1090 182 तथा महिला सुरक्षा नंबर का तत्काल प्रयोग करें। प्रधानाचार्य डॉक्टर शैलेश त्रिपाठी ने भी संबोधित किया। गिरजेश तिवारी, रामजी प्रजापति, प्रकाश चंद दुबे मौजूद रहे। विभिन्न मांगों को लेकर शुरू किया अनशन। गगहा क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर एंटी करप्शन कोर संगठन के प्रदेश महासचिव बालेंदु प्रसाद ओझा सोमवार को असवनपार पुल पर आमरण अनशन की शुरुआत की है। गगहा थाना क्षेत्र के असवनपार नगवा पुल के समीप पुलिस चौकी की स्थापना, गगहा थाने पर अग्निशमन दल की तैनाती कर छार क्षेत्र की सड़कों को चौड़ीकरण की मांग किया। अनशन के समर्थन में चंचल बाबा, मनोज निषाद, मड़ी, विनय तिवारी, कमलेश ओझा, दिनकर चंद, रामकिशुन प्रजापति ने अनशन का समर्थन करते हुए कहा कि इनकी मांग जनहित के लिए जायज है। गोला में मंदिर निर्माण के लिए राम भक्तों ने सौंपा धनराशि। गोला गोरखपुर। गोला तहसील क्षेत्र के ग्राम सभा कुशभवना में श्री राम जन्मभूमि निर्माण निधि संग्रह अभियान के लिए निकली राम भक्तों की टोली का नेतृत्व विश्वामित्र द्वारा किया गया। प्रधानाध्यापक हरिलाल निषाद, सुनील निषाद, मौली शंकर राय सहित आदि राम भक्तों ने संग्रह राशि किया समर्पण। इस अवसर पर संतोष कुमार तिवारी, मानस मणि, सुभाष चंद्र राय, अमन निषाद, मिथिलेश निषाद, अमरेश राय, गुड्डू राय सहित आदि राम भक्त मौजूद रहे।